नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिजोरम के ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की यहाँ पे आपकी कुछ वैकेंसीज हैं जो कि आपकी निकाली गई हैं ईस्ट जनतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपका खिलाई रेट में आता है, ठीक है, मेघालय में। तो यहाँ पर आपका बता देते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहली वैकेंसीज़ हैं वो ग्रुप सी की हैं। तो ग्रुप सी की हैं आपकी वैकेंसीज जो हैं आप में, उसमें आपका जो है एलडीए आता है, यानी कि एलडीए की वैकेंसी है जिसमें 9 वैकेंसी है एलडीए की। ग्राम सेवक की 5 हैं और ग्राम सेविका की 2 हैं, सेक्शनल असिस्टेंट की 3 हैं और आपकी टाइपिस्ट की केवल 1 पद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर हम बात करें आपकी, यहाँ पर आपकी ट्रेसर की भी एक जॉब है। यहाँ पर अगर ट्रेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो HSSLC होना के पास चाहिए, HSSLC पास होना चाहिए। अगर LDA कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो SSLC और HSSLC आपने पास किया हो, टाइपिंग नॉलेज आपको हो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में ही SSLC और HSLC मांगा गया है। तो यहाँ पे SSLC और HSLC आपसे मांगा गया है, ठीक है। ये बेसिकली आपका 10th और 12th ही होता है, ठीक है। इसे हम साउथ में जो होते हैं, हमारा जो मेघालय की तरफ होता है, इधर के ईस्ट पार्ट में जो रहता है, ईस्ट एरिया में, ईस्टर्न रीजन में इसको जो बोला जाता है, 10th को SLC दिया जाता है वहाँ पे और 12th में HSLC दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये 10th और 12th ही मांगा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे टाइपिस्ट की भी है, सेक्शन असिस्टेंट की भी है, ग्राम सेविका, ग्राम सेवक, LDA की और ट्रेसर की वैकेंसी है। अब ये तो हो गई ग्रुप सी की पोस्ट। अब यहाँ पे ग्रुप डी की भी भर्तियाँ हैं, ड्राइवर की हैं और आपकी सॉइल वाटर फील्ड वर्कर की भी हैं और आपकी ग्रेड 4 पोस्ट की भी है, जिसमें चेयरमैन, खलासी, चौकीदार, पियोन और स्वीपर कम क्लीनर आता है। तो ये एक टोटल जो वैकेंसीज हैं, अगर मैं बात करूँ, ये आपकी जो सॉइल वाटर कंजर्वेटर फील्ड वर्कर केवल 1 है, ड्राइवर की 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ग्रेड 4 है, आपका चेयरमैन, खलासी और आपका चौकीदार, पियोन और स्वीप कम, उसकी 11 आपकी वैकेंसी है। ये केवल मेल्स के लिए ये वाली वैकेंसी। ग्रुप सी में तो फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, जो ऊपर वाली थी, इसमें केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं ये वाली वैकेंसीज में। तो अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो केवल RTO मांगा है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। सॉइल वाटर कंजर्वेटर फील्ड वर्कर के लिए SSLC मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, ये पियोन, स्वीपर और चौकीदार के लिए, तो केवल 8 मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे आपका इन सभी के लिए आपका एक कॉमन रिटर्न टेस्ट होगा, कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें कि आपका एक तो इंग्लिश का रहेगा और दूसरा आपका कंबाइंड रहेगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स एलिमेंट्री साइंस एप्टीट्यूड, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जनरल नॉलेज का। तो आपको जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो तो आपका 70 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटे दिए जाएंगे। जो दूसरा पेपर रहेगा उसको 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो पहला पेपर 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 1 आवर दिया जाएगा। 200 का आप मार्क्स का आपका सेकेंड पेपर रहेगा, जिसमें आपको 2.5 आवर आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप ग्रुप डी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो तो केवल आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, जो पेपर रहेगा उसमें 50 मार्क्स का रहेगा आपका, केवल 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर जरूरी सूचना यह है कि 18 साल से लेकर 27 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 27 केवल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल का OBC के लिए दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मेघालय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका जो है, आपका आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोगों को यहाँ पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, eastjantiahill.government.in पे जाकर, यहाँ पे इस वेबसाइट में जाकर आप लोग आवेदन करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जाकर ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पे इसका लिंक खुलेगा, तो ये मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लेना, या फिर आप लोग सीधे इसमें विजिट कर सकते हो, eastjantiahill.government.in पे जाकर, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप लोग सीधे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मेन पेज आपका खुलेगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसकी वैकेंसी वहाँ पे आई हुई है। अपना वैलिड ईमेल आईडी यूज़ करना, अपनी फोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेगी सिग्नेचर के साथ, और जो भी यहाँ पे आपको जो भी अपडेट मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है इसकी। 100 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ीस रखी गई है, 50 रुपये SC ST के लिए रखी गई है, जो SC ST केवल जो आपके परमानेंट रेजिडेंट हो मेघालय के, उनके लिए केवल, ठीक है। ATM क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ई चलान के थ्रू आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे जो है बड़ी अपडेट यही है, आपकी मेघालय की वैकेंसी आई है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो तुरंत इसे आवेदन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरीके की और वीडियोज पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल।